हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों 24 अगस्त 2018 को नेटफ्लिक्स पे एक हॉरर इंडियन टीवी सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम घूल है और हम में से कई लोग इस सीरीज को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे। घूल टीवी सीरीज के लीड रोल में हमें राधिका आप्टे दिखती हैं और ये टीवी सीरीज अरब फोकलोर मॉन्स्टर घूल पे आधारित है। IMDb पे घूल की रेटिंग है 7.2 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 83% फ्रेश। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को घूल सीजन 1 के तीनों एपिसोड्स की कहानी बताते हुए इससे जुड़ी कुछ फोकलोर की बातें करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैंने इस पूरी वीडियो को फिल्मोरा वीडियो एडिटर पे एडिट किया है। दे आर द स्पॉन्सर्स ऑफ दिस वीडियो और मैं आपको बता दूं कि फिल्मोरा 9 एक बहुत ही पावरफुल वीडियो एडिटर है। यहाँ आप टाइमलाइन में अप टू 100 वीडियो और ऑडियो लेयर्स लगा सकते हैं और आपको कई इफेक्ट्स पहले से ही फ्री में मिलेगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी वीडियो को एक डिफरेंट और प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आप कुछ इस तरह के लोअर थर्ड्स को भी कुछ ही सेकेंड्स में क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ आपको ढेर सारे फ्री ट्रांजिशन प्रीसेट्स मिलेंगे। इफ़ यू आर समवन जो ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करता है तो डोंट वरी, क्योंकि फिल्मोरा में आपको क्रोमा की का भी ऑप्शन मिलता है और यहाँ आपको ऑडियो एडिट करने के लिए भी की फ्रेमिंग जैसी मल्टीपल ऑप्शंस है जिससे आप अपनी ऑडियो को मन मुताबिक ट्वीक कर सकते हैं। सो डजंट मैटर इफ यू आर अ बिगिनर और अ प्रोफेशनल, फिल्मोरा आपकी नीड्स को एकदम सूट करेगा और मेरी जैसी एडिटिंग वाली वीडियोस तो आप इस सॉफ्टवेयर से बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं क्योंकि इसकी वीडियो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टाइम एकदम कम है। तो देर किस बात की, जल्दी से डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दी हुई पहले लिंक पे जाइए और फिल्मोरा 9 को फ्री में डाउनलोड कीजिए बिकॉज आई हाईली रिकमेंड इट। दोस्तों यहाँ फिल्मोरा एक GoPro 7 का गिव अवे भी कर रही है और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको नीचे दी हुई लिंक को क्लिक करके फिल्मोरा डाउनलोड करना है, फिर लॉगिन कीजिए और अपनी एंट्रीज़ को सबमिट कीजिए। आप जितना ज़्यादा बार सबमिट करेंगे अपनी एंट्रीज़ को, आपकी जीतने की चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गुड लक विद दैट और हाँ, विनर्स अनाउंस होंगे 7th of January 2019। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों घूल सीरीज की कहानी सेट है इंडिया के डिस्टोपियन फ्यूचर में जहां मिलिट्री पूरे देश में काइंड ऑफ रूल कर रही है और अगर कोई भी उनके खिलाफ जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, विच समटाइम्स इज डेथ। अब ऑब्वियसली ऐसे लॉज होने के कारण जगह जगह बगावत होगी और यही वजह है कि देश में टेररिज्म काफी बढ़ गई है। इन टेररिस्ट से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल फोर्स तैयार किया है जिसे हम NPS या फिर नेशनल प्रोटेक्शन स्क्वाड के नाम से भी जानते हैं। टेररिस्ट को सजा देने के लिए देश भर में कई डिटेंशन फैसिलिटीज या बंकर्स बनाए गए हैं जहां एंटी गवर्नमेंट के मेंटालिटी वाले लोगों को कैद करके उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो पहले एपिसोड के स्टार्ट में हम व्यूअर्स NPS यानी नेशनल प्रोटेक्शन स्क्वाड के जवानों को एक टेररिस्ट हाइड आउट में घुसते देखते हैं जहां उन्हें अली सईद के होने की खबर मिली थी। दोस्तों अली सईद यहां के सबसे खतरनाक टेररिस्ट्स में से एक था और इंडियन गवर्नमेंट उसे कई सालों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो जब ये जवान इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां एक अजीब सा इंसान दिखता है जिसके पेट पे किसी ने काट के घूल का सिंबल बना दिया था। इस इंसान का कहना था कि सभी लोग मारे गए और NPS के जवान उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग के सैंक्चुअरी में हम व्यूअर्स कई लाशें देखते हैं और इन सब के बीच बैठा था अली सईद जो शायद अपने होश में नहीं था। अब जैसे ही इस यूनिट का कैप्टन अली सईद के करीब जाता है, अली अचानक से उसे पकड़ लेता है एंड इंस्टेड ऑफ हार्मिंग हिम अली कैप्टन के कान में कुछ फुसफुसाता है। अब दोस्तों अली सईद ने कैप्टन को क्या बोला ये आपको इसी वीडियो में आगे पता चलेगी। तो अगली सीन इस घटना के एक महीने पहले की थी जहां हम व्यूअर्स निदा रहीम को देखते हैं जो कि एक फ्रेश NPS रिक्रूट थी। निदा को गवर्नमेंट की पॉलिसीज में यकीन था और उसका मानना था कि देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए गवर्नमेंट का ट्रेटर्स पे इतना सख्त होना जायज है। दूसरी तरफ हम निदा के पिता शाहनवाज रहीम को देखते हैं जिन्हें अब गवर्नमेंट में कोई भरोसा नहीं रह गया था और उनकी कौम को कई बार जवानों द्वारा भिन्न रूप से सताया गया था।
तो जब निरा के पिता उसे एनपीएस ट्रेनिंग फैसिलिटी में छोड़ने जा रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ जवान उनके कार की जबरदस्ती तलाशी लेने लगते हैं। ये जवान निरा के पिता से एकदम बुरी तरह से पेश आते हैं क्योंकि शाहनवाज एक मुस्लिम थे और निरा इन जवानों को अपनी एनपीएस की आईडी दिखाकर यहाँ से निकलती है। इन सब के दौरान निदा रहीम को पता चलता है कि उसके पिता सीक्रेटली अपने कौम के बच्चों को उन चीज़ों की शिक्षा दे रहे हैं जिसे गवर्नमेंट ने बैन किया है, लाइक टीचिंग्स फ्रॉम देयर होली बुक, एंटी गवर्नमेंट माइंडसेट इत्यादि। इसीलिए निदा एकेडमी में अपने ही पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करती है जिसकी वजह से शाहनवाज रहीम को अरेस्ट किया जाता है और उन्हें एक डिटेंशन फैसिलिटी में भेज दिया जाता है। तो इसके बाद सीन चेंज होके वापस प्रेजेंट में आती है जहां निदा की एकेडमी में ट्रेनिंग चल रही थी और वो एक इंटरोगेशन स्पेशलिस्ट ट्रेनी थी। अब दोस्तों हालांकि निदा की ट्रेनिंग कंप्लीट होने में अभी एक महीना बाकी थे लेकिन उसे एक डिटेंशन फैसिलिटी में रिक्रूट किया जाता है और इस फैसिलिटी का नाम था मेघदूत 31। तो इस जगह पे पहुंचते ही निदा को लक्ष्मी नामक औरत मिलती है जो कि एनपीएस का हिस्सा थी और लक्ष्मी निदा को इस सीक्रेट फैसिलिटी की काइंड ऑफ टूर देती है। इस टूर में निदा मेघदूत 31 की कैदियों से मिलती है और हम व्यूअर्स यहाँ देख पाते हैं कि एनपीएस के जवान इन कैदियों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। टूर के बाद निदा इस फैसिलिटी के कमांडिंग ऑफिसर से मिलने जाती है जिनका नाम सुनील डकूना था। डकूना निदा को बताते हैं कि चूंकि निदा अपने ट्रेनिंग में हाईएस्ट स्कोरर है और निदा के ऊपर सभी को ट्रस्ट है क्योंकि उसने खुद के पिता को अरेस्ट करवाया था, तो इसीलिए उसकी ट्रेनिंग खत्म करने से पहले ही उसे एक इंटरोगेशन का हिस्सा बनने का मौका मिला है। यह इंटरोगेशन अली सईद की थी जो कि फिलहाल एनपीएस के कब्जे में है और आज रात ही अली को मेघदूत 31 में इंटरोगेट करने लाया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि लक्ष्मी को निदा एकदम पसंद नहीं थी क्योंकि लक्ष्मी को ऐसा लग रहा था कि निदा भी इन टेररिस्ट्स के साथ मिली हुई है और लक्ष्मी के ऐसा सोचने की एक छोटी और एक बड़ी वजह थी। छोटी वजह ये कि निदा रहीम एक मुस्लिम है और बड़ी वजह के बारे में हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। एनीवेज, लक्ष्मी डकूना को बोलती है कि इन्हें निदा को भी अरेस्ट करके इंटरोगेट करना चाहिए, लेकिन डकूना का कहना था कि निदा के रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन हैं और वो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, सो दे ऑल नीड टू फॉलो हिज ऑर्डर्स। लक्ष्मी डकूना के इस ऑर्डर से एकदम खुश नहीं थी और वो उनके डिसीजंस पे बाकी जवानों के सामने सवाल भी उठा रही थी। तो इसके बाद आती है फर्स्ट एपिसोड की लास्ट सीन जहां हम व्यूअर्स अली सईद को मेघदूत 31 में आते देखते हैं और इस फैसिलिटी के सारे प्रिजनर्स अली के पकड़े जाने का इल्ज़ाम एक नए कैदी पे लगा रहे थे जिसे एनपीएस के जवानों ने एक चेंबर के अंदर कैद करके रखा था। इन कैदियों का मानना था कि ये नया कैदी ही मिलिट्री वालों को अली सईद के ठिकाने के बारे में बताया होगा। तो यहाँ शुरू होती है एपिसोड 2 और इस एपिसोड की शुरुआत में हम व्यूअर्स अली सईद को मेघदूत 31 के अंदर आते देखते हैं और इस फैसिलिटी के जवान अली को काफ़ी टॉर्चर करते हैं। इस टॉर्चर सेशन के दौरान लक्ष्मी निदा से अली को मारने बोलती है लेकिन निदा से ये नहीं हो पाता है। इन सब के दौरान अली सईद निदा को निदू कह के पुकारता है एंड दिस वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग क्योंकि निदू उसका पेट नेम था और इस नाम से निदा को सिर्फ उसके पापा ही बुलाते थे। लक्ष्मी वॉज ट्राइंग टू इम्प्लाई कि निदा अली सईद को इसलिए नहीं मार पा रही क्योंकि वो इन टेररिस्ट्स के साथ मिली हुई है। तो इस टॉर्चर सेशन के बाद सभी लोग कुछ घंटे की रेस्ट लेने जाते हैं और इस पीरियड के दौरान इस फैसिलिटी में सभी को कुछ अजीबोगरीब सपने आते हैं। निदा के सपने में वो अपने ही पिता को शूट कर दी और उसे अली सईद भी अजीब से डरावने रूप में दिखा। एनीवेज, अली की इंटरोगेशन फिर से चालू होती है और इस बार उसे निदा के साथ दो और सिपाही इंटरोगेट कर रहे थे जिनका सरनेम गुप्ता और चौधरी था। इस इंटरोगेशन के दौरान रूम में लगा सीसीटीवी कैमरा और माइक्रोफोन्स माल फंक्शन करता है और अली सईद फुसफुसाते हुए निदा से पूछता है कि अब्बू कैसे हैं। इतना ही नहीं, अली गुप्ता और चौधरी से किसी प्लान के बारे में पूछता है जिसमें उन्होंने किसी औरत और उसके बच्चों को मार डाला था और इन बातों के दौरान हम व्यूअर्स अली की आंखें एकदम काली होते देखते हैं। अली की बातों को सुनकर गुप्ता और चौधरी एक दूसरे को उस प्लान के बारे में ब्लेम करते हुए लड़ने लगते हैं और इस लड़ाई में चौधरी गुप्ता को चाकू मार देता है। इस सीन को देखकर निदा वॉज शॉक्ड और अब डकूना खुद अली सईद को इंटरोगेट करने जाते हैं।
इस इंटरोगेशन में अली सईद किसी अननोन लैंग्वेज में एक ही बात बार बार दोहरा रहा था और उसकी बातों को समझने के लिए निदा एक मौलवी को वहां लाती है जो कि इस फैसिलिटी का एक कैदी था। मौलवी बताता है कि अली एक बहुत ही पुरानी अरामाइक लैंग्वेज बोल रहा है एंड दिस वॉज क्वाइट स्ट्रेंज क्योंकि इस मौलवी ने अली सईद को बचपन से बड़ा होते हुए देखा था और अली ने ये एंशियंट लैंग्वेज कभी सीखी ही नहीं थी। अली बार बार एक ही बात दोहरा रहा था जिसका अर्थ था कि काम मुकम्मल होगा, गुनहगार को उनके गुनाह का एहसास दिला के निकल जाओ। तभी अचानक अली सईद डकूना की बीवी और बेटी के बारे में कुछ बातें बोलने लगता है और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि डकूना के ज़्यादा काम करने और एक्सेस पीने की वजह से उनकी फैमिली उनसे अलग हो गई। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि अली को आखिर ये सब मालूम कैसे था और इस बात से डकूना इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि वो अली को इलेक्ट्रोक्यूट करना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन के दौरान इस फैसिलिटी में शॉर्ट सर्किट होता है जिससे पूरे फैसिलिटी की लाइट चली जाती है और निदा अली सईद को चेक करने इंटरोगेशन रूम में जाती है। यहाँ हम व्यूअर्स अली को एक मॉन्स्टर में तब्दील होते देखते हैं और अली कोई इंसान नहीं बल्कि घूल था। निदा ये बात इस फैसिलिटी के सभी जवानों को बताने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसकी बातों में यकीन नहीं कर रहा था। सब ऐसा मान रहे थे कि अली सईद इज़ रियली ए टफ गाय और उसका मुंह खुलवाने के लिए ये लोग फौलाद सिंह नामक इंसान को बुलवाते हैं जो कि लोगों को मार पीट कर उनसे बातें निकलवाने में एक्सपर्ट था। यहाँ हम व्यूअर्स डकूना को भी एकदम आश्चर्य में देखते हैं क्योंकि जितना शौक उन्होंने अली सईद को दिया था उतने में एक आम इंसान कब का अपनी जान गवा बैठता, लेकिन अली अब भी मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स फौलाद सिंह को यहाँ आते देखते हैं और उसके आने से सभी कैदी एकदम डरे हुए से थे लेकिन अली अब भी मुस्कुरा रहा था और उसकी आँखें एकदम काली हो गई थी। दूसरी एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम फौलाद सिंह को अली सईद के इंटरोगेशन रूम में जाते देखते हैं और दूसरी तरफ निदा मौलवी से अली के बारे में पूछती है। मौलवी बताता है कि जिस अली सईद को एनपीएस के जवान पकड़ के लाए हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक घूल है। दोस्तों अरबी दास्तानों में घूल के बारे में जिक्र किया गया है और कोई भी इंसान घूल को अपने खून से ये सिंबल बनाकर और फिर अपनी रूह का सौदा करके बुला सकता है। घूल एक जिन्न है जो इंसानों को उनके गुनाह का अक्स दिखाता है और फिर वो उसी का इस्तेमाल इंसानों के खिलाफ करता है। घूल की सबसे खास बात यह है कि वो जिस किसी इंसान का भी मांस खा लेता है वो उसका रूप ले सकता है और शायद इसीलिए ये घूल अली सईद के रूप में इस फैसिलिटी में है। दूसरी तरफ कर्नल डकूना को एक कॉल आता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि एनपीएस के जवानों को अली सईद की लाश उसके ही किसी सेफ हाउस में मिली है और उसकी लाश को किसी ने आधा चबा रखा था, यानी मेघदूत 31 के अंदर जो अली सईद है वो सचमुच एक घूल है। लेकिन यहाँ सवाल बस ये था कि आखिर घूल को हमारी दुनिया में बुलाया किसने, और इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा। सो इंटरोगेशन रूम के अंदर हम व्यूअर्स अली सईद को घूल बनते देखते हैं और घूल फौलाद सिंह को मारकर उसका रूप ले लेता है। फौलाद सिंह बहारा के सभी कैदियों को आज़ाद कर देता है और वो निदा का पीछा करने लगता है। निदा किसी तरह भागकर एनपीएस के बाकी जवानों के पास जाती है जहां कर्नल डकूना भी थे और वो सभी को घूल के बारे में बताती है। अब ऑब्वियसली डकूना को छोड़ के कोई भी निदा की बातों पर यकीन नहीं करता है और उन्हें फौलाद सिंह की लाश इंटरोगेशन रूम में मिलती है। इस पॉइंट पे लक्ष्मी को पूरा भरोसा हो गया था कि निदा ने ही कैदियों को आज़ाद किया है और वो बाकी जवानों को अपने कमांड में लेते हुए डकूना के खिलाफ आवाज़ उठाती है। एनपीएस के सारे जवान मिलकर डकूना को ही कैद कर लेते हैं और वो लोग निदा को एक्टिव सेल के अंदर डाल देते हैं। अब दोस्तों जो कैदी यहाँ से आज़ाद हुए थे वो लोग इसी एक्टिव सेल के अंदर छुपे थे और इससे पहले ये कैदी निदा पे हमला करते निदा इनमें से एक को पकड़ के मारने की धमकी देती है। ये वही इंसान था जिस पे घूल को बुलाने का शक था और मौलवी बताता है कि ये इंसान कोई गुनहगार नहीं था बल्कि ये तो बस इनका चाय वाला था। इसी इंसान का मुंह खुलवाने के लिए चौधरी और गुप्ता ने इसकी बीवी और बच्चों को उसके सामने ही मार डाला था और तब से ये इंसान गूंगा हो गया है। निदा को मौलवी बताते हैं कि हर एक कैदी जो इस फैसिलिटी में आता है उसे एनपीएस के जवान मार ही डालते हैं, चाहे उनका कोई गुनाह हो या फिर वो बेगुनाह हो। इंटरेस्टिंगली निदा के अब्बू को भी इसी फैसिलिटी में लाया गया था और उन्हें भी यहाँ मार दिया गया था।
निदा वॉज वेरी अपसेट अबाउट हर डिसीजन कि उसने खुद अपने पिता को पकड़वाया, क्योंकि उसे लगा था कि इन फैसिलिटीज में सिर्फ कैदियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, बट इन रियलिटी यहाँ कैदियों को जान से मारा जाता है। एनीवेज, हम व्यूअर्स को पता चलता है कि इन कैदियों में से एक की लाश इस एक्टिव सेल के बाहर मिली है, विच वॉज अनआइडेंटिफाइबल, क्योंकि उस लाश को बुरी तरह से चबाया गया था, और इसका मतलब ये है कि इन कैदियों में से कोई एक घूल है। और अचानक हम मौलवी को घूल में तब्दील होते देखते हैं और वो एक कैदी पे हमला करते हुए उसे जान से मार डालता है। जी हाँ दोस्तों, घूल ने मौलवी के शरीर को चबाकर उसका रूप ले लिया था और अब वो बाकियों पे हमला करना शुरू कर चुका था। निदा एक कैदी के साथ फायरप्लेस से ऊपर भागती है, लेकिन घूल निदा के पैर को थोड़ा सा काट लेता है, विच मीन्स कि अब घूल निदा का रूप भी ले सकता है। दोस्तों ठीक ऐसा ही होता है, क्योंकि हम व्यूअर्स निदा को दो जगहों पे देखते हैं। एक जगह वो कैदी के साथ मेघदूत 31 से भागने की सोच रही थी और दूसरी जगह उसे लक्ष्मी ने पकड़ लिया था और लक्ष्मी निदा को टॉर्चर कर रही थी। निदा किसी तरह लक्ष्मी पे अटैक करती है और वो लक्ष्मी से पूछती है कि आखिर क्यों वो निदा पे इतना ज़्यादा शक करती है, और यहाँ हम व्यूअर्स को वो दूसरी वजह पता चलेगी जिसके कारण सभी लोग निदा पे शक करते हैं। दोस्तों सीरीज़ की स्टार्टिंग सीन में जब अली सईद पकड़ा गया था तो उसने कैप्टन के कान में कुछ फुसफुसाया था। दरअसल अली सईद निदा रहीम का नाम लेके उसका पता पूछ रहा था, और यही वजह है कि निदा को अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने से पहले ही मेघदूत 31 में बुलाया गया, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि शायद निदा इन टेररिस्ट से मिली हुई है। अब हम व्यूअर्स तो जानते ही हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में पकड़ा जाने वाला इंसान अली सईद नहीं बल्कि घूल था, लेकिन घूल निदा के बारे में क्यों पूछ रहा था? वो इसीलिए क्योंकि घूल को निदा के पिता नहीं बुलाया था। जी हाँ दोस्तों, जब निदा के अब्बू शाहनवाज रहीम यहाँ कैद थे तो उन्होंने खून से घूल का सिंबल बना के अपने रूह का सौदा कर दिया, जिससे घूल हमारी दुनिया में आया और वो अब गुनहगारों को खा जाएगा। निदा यहाँ समझ जाती है कि उसके अब्बू सही थे और NPS के ये जवान या फिर देश में चल रही गवर्नमेंट देशभक्ति के नाम पर मासूमों को भी टॉर्चर करके उन्हें मार डाल रहे हैं, जो कि एक तरह का पागलपन है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स देखते हैं कि कैदी के साथ वाली निदा एक घूल था और वो बाकी सोल्जर्स पे अटैक करके उनका रूप ले लेता है। डकुना के ऑफिस में सारे जवान इकट्ठा होते हैं और सभी लोग एक दूसरे पे गन ताने हुए थे, क्योंकि इनमें से ही कोई एक घूल था। निदा यहाँ एक कैदी को बोलकर डकुना के ऑफिस में रखी टॉर्चर्ड वाली रिकॉर्डिंग्स को सुनती है, जिनमें से एक उसके पिता की थी। इस रिकॉर्डिंग में हम डकुना की आवाज़ सुनते हैं, जहां वो बोल रहा था कि शाहनवाज एक गुनहगार नहीं है, लेकिन फिर भी उसे एग्जीक्यूशन चैम्बर में ले जाकर डकुना ने मरवा दिया था। शाहनवाज ने घूल को हमारी दुनिया में इसीलिए बुलाया ताकि वो निदा को सबक सिखा सके और निदा चीज़ों की सच्चाई को जान पाए। ये सब बातें सुनकर निदा डिसाइड करती है कि वो घूल की मदद करेगी, और इसलिए वो इस कमरे की लाइट को शूट करके बुझा देती है ताकि घूल सभी जवानों पे हमला करके उन्हें मार गिराए। ठीक ऐसा ही होता है और घूल ऑलमोस्ट सभी को मार गिराता है, लेकिन ऐन वक्त पे डकुना एक ग्रेनेड चलाकर मेघदूत 31 के बाहर निकल जाते हैं। अब बची थी निदा, डकुना और एक चाय वाला कैदी, और मेघदूत 31 के बाहर रीइन्फोर्समेंट यूनिट्स आ गई थी जो निदा को अपना गन नीचे करने बोल रही थी। निदा का मानना था कि घूल ने डकुना का रूप ले लिया है, लेकिन डकुना का कहना था कि उसने घूल को ग्रेनेड से मार डाला है। इसी जद्दोजहद में निदा को शायद पता चल जाता है कि यह सचमुच डकुना है और घूल मर चुका है, लेकिन फिर भी निदा डकुना का सर शॉटगन से उड़ा देती है और रीइन्फोर्समेंट यूनिट निदा को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ सीन चेंज होती है और अगली सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि गवर्नमेंट के लोगों ने निदा को एक प्रिजनर बना लिया है। निदा का भी अब यही मानना था कि हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से करप्ट और पागल हो चुकी है, और वो अब अपने पिता के आइडियोलॉजीज़ को मान रही थी। एपिसोड के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स निदा को एक ब्लेड के साथ देखते हैं, जिसकी मदद से शायद वो वापस घूल को हमारी दुनिया में बुलाने वाली थी। घूल टीवी सीरीज़ की पहली सीज़न यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी घूल की कहानी, और मुझे पर्सनली ये सीरीज़ कुछ खास नहीं लगी। हालांकि पात्रों की एक्टिंग बहुत अच्छी है और कॉन्सेप्ट भी एकदम अलग है, लेकिन इस सीरीज़ में दिखाई गई आइडियोलॉजी एक बहुत ही एक्सट्रीम रिप्रेजेंटेशन है, जो मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा। इफ़ यू कैन इग्नोर द आइडियोलॉजी तो शायद आपको ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आएगी, और मैं इसे बिल्कुल रिकमेंड कर सकता हूँ। अब इससे पहले
हम घूल से जुड़ी कुछ अरबिक माइथोलॉजी पे बातें करें, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि इस वीडियो को मैंने पूरी तरह से फिल्मोरा वीडियो एडिटर पे एडिट किया है और फिल्मोरा इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर बिगनर्स एंड एडवांस्ड लेवल एडिटर्स। तो आप सभी जाइए और डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में दी हुई पहली लिंक को ही क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड कीजिए। अगर आपको इसकी ट्रायल वर्जन पसंद आती है, जो कि जरूर आएगी, तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। कमिंग बैक टू टॉपिक, अगर हम घूल के मिथ्स की बात करें तो घूल एक डीमन है जिसका जिक्र प्री इस्लामिक अरबियन लैंग्वेज में किया गया है। घूल अक्सर ग्रेवयार्ड्स में रहता है और ये इंसानी मांस खाता है। मेल घूल को घुल नाम से रेफर किया जाता है और फीमेल को घुला बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि घुला इंसानों को आकर्षित करके अपने घर में लाती है और फिर वो उसे मार के खा जाती है। घूल जिस जिस इंसान को खाता है वो उनका रूप भी ले सकता है और ज़्यादातर घूल डेड बॉडीज को ही खाता है। अब दोस्तों, ये सभी बातें एक मिथ है और मेरे हिसाब से इन बातों का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।